बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। बेटे कॉटन के बारे में अगर हम देखें तो कॉटन का जो सीड होता है इसके ऊपर हल्की फुल्की फज होती है, ठीक हो गया। उस फज को हमें रिमूव करना पड़ता है बिजाई से पहले। जो फज होती है, क्योंकि अगर हम मैनुअल सोइंग कराएंगे खवातीन से वो स्टिक कर जाता है सीड, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपरली सीड सो एक जगह दो दो तीन तीन सीड लग जाते हैं तो सोइंग अच्छी नहीं होती। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सीड के अंदर आपके ये जो पिंक बॉल बम हाइबरनेट कर जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अक्सर सीड की ऐसी डिलिंटिंग की जाती है ताकि जो बॉल बम पिंक बॉल बम हाइबरनेट हुई हुई है सीड के अंदर वो कंट्रोल हो जाए। तो पहले पहले तो जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे भी ऐसी मशीनरी पाकिस्तान में अवेलेबल थी, जो डिफरेंट हमारी मुल्क में कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज थी, जैसे रॉबर्ट कॉटन एसोसिएट के नाम से थी फैक्ट्रीज, तो उनमें तो मैकेनिकल प्रिंटिंग की जाती थी कॉटन की ना, सीड के ऊपर से वो फज भी उतार ली जाती थी। और जो फज है, अब देखिए हम हर साल हजारों आई थिंक टन वो जो फज है उसको एसिड के अंदर बर्न करके उसे ज़ाया कर देते हैं। सीड के साथ बेटे वो फज भी उतार ली जाती थी। तो बेसिकली कॉटन सीड को कन्वेंशनली कैसे सो किया जाता था, जब एसिड डिलिंटिंग नहीं थी तो लोग ये लोग क्या करते थे, ये जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, ठीक है, उसके सीड को फार्म यार्ड मैन्योर के साथ मिक्स कर देते थे, उसको फिर खुश कर लेते थे, वो ग्रेन्यूल से बन जाते थे, उसकी फिर सोइंग आसान हो जाती थी। तो जो एसिड डिलिंटिंग होती है बेटे, बेसिकली उसके अंदर 1:10 कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्लेंड किया जाता है सीड को, और उसके बाद उसको अच्छी तरह वॉश आउट कर दिया जाता है। तो कॉटन सीड बेसिकली इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉटन जिनिंग ऑपरेशन। इट इज बेसिकली कवर्ड विद द फाइबरस लिंट। द कॉटन सीड इज मेनली मेड अप ऑफ इनर कर्नल यूजली कॉल्ड मीट्स। द मीटी पोर्शन कंटेन ऑल द ऑयल एज वेल एज प्रोटीन एंड इट इज इनक्लोज्ड इन द फाइबरस हल। Over the hull stick out the cotton fiber which escaped the ginning and left on the seed। तो यानी कि ये जिनिंग से जो बची हुई कपास होती है जो सीड के ऊपर लगी होती है जिसे हम लिंट कहते हैं। These cotton fibers are called lint। By processing cotton seed we can get maximum benefit। The inner kernel can be planted, fed to livestock। ठीक है, जो यानी कि जो सीड की बेसिकली जो खल बनाते हैं, यानी कि कॉटन सीड का बिजाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके सीड से ऑयल निकलता है और ऑयल निकाल के बाद जो कॉटन सीड केक होता है उसको लाइफ स्टॉक को फीड करवाया जाता है। ऑयल मिल्स होती हैं कि कॉटन बिनोला इसे कहा जाता है, कॉटन सीड जो विद लिंट होता है, तो ये ऑयल मिल्स वाले परचेज कर लेते हैं। तो ऑयल मिल के अंदर इसकी क्रशिंग की जाती है एक्सपेलर्स के साथ। एक्सपेलर से क्या होता है कि इसका ऑयल निकल जाता है और कॉटन सीड केक बन जाता है। कॉटन सीड केक के अंदर क्योंकि प्रोटीन हाई होती है तो ये जानवरों को एज अ कंसनट्रेट दिया जाता है, एज अ फैटनिंग के तौर पर दिया जाता है एज अ कंसनट्रेट। तो द लिंट वी गेट फ्रॉम कॉटन लिंटिंग हैज वाइड एप्लीकेशन इन कॉटन ब्लैंकेट। ठीक है, जो लिंट अगर हम ऊपर से रिमूव कर लें तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। ये कॉटन के कंबल बन सकते हैं, शर्ट्स बन सकती हैं, पेपर बोर्ड में काम आती है, कॉटन पल्प में काम आती है। Therefore, the cotton seed linter is very essential in cotton processing। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अंग्रेज दौर में जब थे, अब भी जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर भी ये होने चाहिए ताकि हम ये इतनी जो कॉटन इसको तो वेस्ट ना करें ना। जानवरों को जब कॉटन का सीड क्रश करके दिया जाता है तो इसके ऊपर लिंट का तो कोई बेनिफिट नहीं होता, उन्हें तो सीड के अंदर जो ऑयल है या जो प्रोटीन है मिट्टी जो पोर्शन है उसका बेनिफिट होता है। The acid linting of cotton seed has been used extensively, particularly with when the seeds are used for planting. Both sulfuric acid and hydrochloric acid have been used for acid linting respectively. Due to the generation of heat from the reaction of acid with moisture, the short cotton fiber on the seed would quickly degenerate. The residue can be washed away with water. After washing, the seed need to be neutralized with soda ash, lime or any anhydrous ammonia, which is regarded as wet acid method. However, the concentrated sulfuric acid is extremely corrosive. Is zang is bahut jaldi lag jata hai na, so plastic ke drum use kiye jate hain to machinery and dangerous to handle. Some serious problems could emerge like consuming a large amount of energy to dry the seed and causing soil and water pollution bhi hoti hai.
अक्सर आपने ये देखा होगा, ये जो विंटर नहरों के पास या माइनर्स के पास लगे होते हैं, तो ये नो डाउट जो फिश होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो पीएच पानी, जब एसिड वाला पानी हम इन वाटर बॉडीज में डालेंगे, उसकी पीएच जरा नीचे जाएगी, लो होगी, तो उससे मछली के बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। मैकेनिकल ड्रिलिंग रिक्वायर मोर एनर्जी देन एसिड ड्रिलिंग, बट इट डज नॉट यूज एनी केमिकल एंड कैन प्रोड्यूस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूजेबल लो ग्रेड लिंट एज अ बाई प्रोडक्ट। बेसिकली मैकेनिकल ड्रिलिंग इज यूजली एकम्प्लिश्ड बाई हाई स्पीड रोटेटिंग शार्प सॉस। तो इसमें बेटे आरे होते हैं, बड़े तेज किस्म के, वो जब चलते हैं, वैसे भी ये जो साजन मशीन होती है जिसके अंदर से जब कपास गुजरती है तो उसका सीड अलग हो जाता है और लिंट अलग हो जाता है, उसमें बेसिकली ये साज होते हैं, आरे होते हैं। तो ड्रिलिंटर मशीन आल्सो प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ द लिंट आफ्टर सेपरेशन। तो ये उसको सेपरेट कर लेती है और उसको एक साइड पे निकाल देती है, सीड दूसरी साइड पे आ जाता है, तो उसके बाद उसको सोइंग के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो आज के हवाले से ये था, इसके हवाले से आज के जो ये ड्रिलिंटिंग के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन है तो बेटे आप कर सकते हैं। हाँ जी बेटे, इस प्रैक्टिकल के हवाले से किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि हम काफ़ी सारी वो जो लिंट होती है वो ज़ाया कर देते हैं, लेकिन सर इधर तो आपने अभी पढ़ा है कि वो एक तो लो ग्रेड होती है, लो क्वालिटी होती है और होती भी कम है, और उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है मैकेनिकल, अगर उसे हम उतारें। सर इसके बारे में आप क्या बेटे कहें? मेरी बात सुनो, वो लो ग्रेड होती है तो उससे उससे हम कॉटन के ब्लैंकेट बना सकते हैं, हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो उसको हम बजाय के तेजाब के साथ जलाएं, उस तेजाब के साथ अपनी वाटर बॉडीज को भी पोल्यूट करें, तो उसको हम यूज कर लें, ठीक हो गया। तो ये कॉटन पल्प बन जाएगी, इसके टिश्यू पेपर बन जाएंगे, कोई भी, अब ये देखो जितनी भी टिश्यू पेपर बनाने कुछ एक दो फैक्ट